नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना स्थल का दौरा, लिया राहत कार्यों का जायजा, वरिष्ठ विमानन अधिकारियों और पेशेवरों के साथ विचार विमर्श करने की कही बात। दुर्घटनाग्रस्त विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर मिला, AIIB कर रहा है मामले की जांच। कोझिकोड विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 18। हादसे की जांच के लिए DGCA और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे कोझिकोड। राज्य के उपराज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने किया घटनास्थल का दौरा। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 22। मलबे में अभी भी 43 लोग दबे। लगातार बारिश के बावजूद NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी। राज्य के कई जिलों में बारिश के कारण रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का आज करेंगे उद्घाटन। केंद्र में मिलेंगी स्वच्छता मिशन से जुड़ी शिक्षा, जागरूकता और जानकारी। पूर्वी लद्दाख मामले पर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता जारी। दौलत बेग ओल्डी में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों में हो रही है बातचीत। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ली देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की शपथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में मुर्मू को दिलाई शपथ। गिरीश चंद्र मुर्मू ने शपथ के बाद संभाला पदभार। और भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी। रिकवरी दर बढ़कर हुई 68.32%। 14,27,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। मृत्यु दर भी घटकर हुई 2.04%। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,95,00,000 के पार। और आइए आपको सीधे लिए चले गए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक कोई प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम कुछ तो सबसे पहले आइए हम आपको केंद्रीय इस वक्त कोझिकोड विमान हादसे से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना स्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। वरिष्ठ विमानन अधिकारियों और पेशेवरों के साथ विचार विमर्श करने के बाद की बात कही है उन्होंने। और साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य का शिकार हुए विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद हो गया है। AAIB मामले की जाँच कर रहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण श्यामनाथ तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या है इस मामले में ताज़ा जानकारी? डेटा रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, विमान का जांच जारी है। कब तक कुछ पता चल सकेगा ठोस इसके बारे में कि क्या कुछ हुआ था आखिर, और किस तरह से बढ़ रही आगे जाँच? जी, आपने जैसे कहा सही है, डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर अभी मिल चुका है। इसके जांच पड़ताल के लिए शायद थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक टेक्निकल मामला है। यूजुअली क्या होता है, जब भी एक वायु जहाज का या फिर विमान का क्रैश होता है तो उसमें क्या एक्चुअली हुआ है, एक टेक्निकल डिटेल्स जो रहता है वो ये फ्लाइट रिकॉर्डर में रहता है, फिर ब्लैक बॉक्स जिसे ऑरेंज बॉक्स ऑरेंज कलर का रहता है, उसके डिटेलिंग में ही हमें करेक्ट पता चलेगा कि क्यों हुआ है, क्या थे वो दुर्घटना से जो पहले के जो क्षण थे वो क्या थे, वो क्यों हुआ, इसके डिटेल सब ये फ्लाइट रिकॉर्डर के थ्रू ही हमें पता चल सकता है। उसके रिकॉर्डिंग के डिटेल्स आने में शायद टाइम लगेगा, मगर बात ये है कि उसके इंक्वायरी के जो प्रोसीजर्स हैं वो करेक्टली चल रहे हैं। जैसे कि इसके इंक्वायरी के लिए हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो हैं वो उधर आ चुके हैं,
एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो सीनियर स्टाफ है वो भी उधर पहुंच चुके हैं, और उसी के साथ ये अभी फिलहाल तो केंद्र मंत्री भी उधर पहुंच चुके हैं। तो उधर उन्होंने दौरा करके उन्होंने पता किया कि कैसे हैं रेस्क्यू के एफर्ट कैसे थे। उन्होंने वो स्थल के दौरा करके उन्होंने स्थितिगतियों को अच्छी तरह से इवैल्यूएट किया है। इसके साथ ही ये भी पता हमें चल रहा है कि स्टेट मिनिस्टर्स भी उधर पहुंच रहे हैं। जैसे कि थोड़े ही क्षण पहले हमें ये पता चला है कि स्टेट मिनिस्टर जो थे केटी जलील, उन्होंने लिया था, उन्होंने कोड़ीकोड का दौरा किया था, वो एयरपोर्ट पर गए थे, वो अस्पताल पहुंचे थे, उधर के मरीजों का कैसा इलाज चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जायजा लिया था। मगर अभी भी हमें ये पता चल रहा है कि 15 से 20 तक लोगों का जो अभी सिचुएशन है वो थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा और टाइम लगेगा उनके सेहत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने के लिए, तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट अभी भी रह रहा है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पिनराई विजयन, अभी हमें पता चल रहा है कि वो कोड़ीकोड पहुंच रहे हैं, कोड़ीकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो पहुंच गए हैं। थोड़े ही क्षण में शायद वो करीपुर एयरपोर्ट में भी पहुंच जाएंगे। तो डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि काफी लोगों का जो अस्पताल में भर्ती हुए थे उनमें से काफी लोगों को अभी रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि उनका उनके सिचुएशन में बेटरमेंट है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। जी, तो अभी जी, ये पॉजिटिव आया है कि इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर जो है वो अभी चालू हो गया है। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन वाले जो रिकॉर्डिंग है वो अभी हमें मिल गया है। ठीक है, जांच पड़ताल में अभी आगे थोड़े टाइम पे हमें पता चलेगा जी Exact flight reasons क्या है। जी अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड में विमान हादसे का के घटनास्थल का दौरा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने थोड़ी देर पहले की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। And our passengers who have suffered injuries are receiving medical treatment in the government and the private hospitals. But as I said, our hearts reach out. We are doing whatever we can, but as a small token, as a small gesture of our desire to do something for those who have lost their lives and have suffered injuries, by way of interim relief, and I underline the way, by way of interim relief, I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 for those who may have suffered minor injuries. This is over and above all the other compensations, etc., which might be forthcoming from different agencies, insurance of the aircraft, etc. Let me just share with you some facts. Now that the two black boxes have been found, it will be premature for me to speculate on what the precise cause of this accident was, but I can share with you that the aircraft was being captained and operated by one of our most distinguished and experienced commanders, Captain Deepak Vasant Sathe. In fact, the captain had more than 10,000 hours of flying experience. He had landed on this very airfield, I think, as many as 27 times, including this year. So, in terms of professional competence, etc., we couldn't have had a more experienced and a highly decorated person at the command. The inquiry had been ordered last night itself. We sent the first team leaving Delhi at around 2 a.m. in the morning, and the second team came at 5. They are already doing their jobs. And as I happen to mention to some of you, ഇടക്കാല ധനസഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും സാരമല്ലാതെ പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയുമാണ് ഇടക്കാല ധനസഹായം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി. ഒപ്പം തന്നെ അപകടത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ तो आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत के तौर पर जो मृतक हुए हैं उनको
10 लाख रुपए की राहत राशि जो दी जाएगी और उसके साथ ही साथ जो घायल हुए उनको 2 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी, साथ ही साथ जो मामूली रूप से घायल है उनको 50,000 रुपए की राहत राशि जाएगी। ये उन उस राहत राशि से अलग होगी जो विमानन कंपनियां या दूसरी जो एजेंसीज होंगी जहां से जो यात्रियों को जो कुछ मिलेगा उसके अतिरिक्त ये सरकार की तरफ से घोषित की गई है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो कैप्टन वसंत साठे जो थे इसके पायलट वो काफ़ी अनुभवी थे, 10,000 घंटे का फ्लाइट उनका फ्लाइट एक्सपीरियंस था और इसके साथ ही साथ वो कम से कम 27 बार पहले भी इस एयरपोर्ट पर विमान को उतार चुके थे, तो वो काफ़ी अनुभवी थे। लेकिन ये दुर्घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी यात्री इस पे इसका शिकार हुए हैं उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। और हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अभी हमने मिनिस्टर को सुना, उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात भी कही और ये भी साथ साथ कहा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और जो दोनों जो ब्लैक बॉक्सेस हैं वो मिल गए हैं और जांच जो है वो जारी रहेगी। अभी फ़िलहाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है, एक तो ये बताइए और दूसरे जो परिजन हैं जो निश्चित तौर पर परेशान होंगे और उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनको असिस्ट करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, आपने सही कहा, फिलहाल मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल रात हम 17 की बात कर रहे थे, अभी 18 की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। जिन लोगों का अभी इलाज चल रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल में जो कि कोड़ीकोड और मलप्पुरम जिले में है वो अच्छी तरह से चल रही हैं। गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स उधर गए हैं उन्होंने काफी सेटिस्फैक्शन जताया है कि अच्छी तरह से वो चल रहा है। अब ये फ्लाइट जैसे कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे, कल रात से वो बता रहे थे कि अभी फ्लाइट के जो भी कारण के बारे में हम बताएंगे वो शायद प्रीमेच्योर होगा, डिटेल डिस्कशन के बाद ही पता चलेगा। मगर जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो 2-3 बातें जो कि हमें पता चल रहा है उसमें ये है, एक खास बात है कि एक तो ये हवाई जहाज जो था वो शायद 13 साल पुराना है। दूसरी बात यह है कि ये करीपुर जो एयरपोर्ट है उसके लैंडिंग स्ट्रिप के लेंथ के बारे में, उसके RESA के बारे में देयर वेर सम डिस्कशंस, कुछ बातें चल रही थी उसमें शायद कोई प्रॉब्लम है। मगर जो मेजर फैक्टर है वो है ये है कि शायद मौसम खराब था, बारिश कुछ ज्यादा ही थी पिछले, जैसे कि हम आप जानते हैं पिछले 2-3 दिनों से केरल में काफी जगहों पे बहुत भारी भरकम बारिश हो रही है जिसमें कि काफी जगहों पे लैंडस्लाइड की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे 3-4 थियोरीज हैं जिसके बारे में की कंफर्मेशन अभी तक हमें मिला नहीं है, मगर उसके टेक्निकल डिटेल्स हमें आने वाले क्षण में ब्लैक बॉक्स की जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा। जहां तक की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि आपने बोला रिलेटिव्स काफी लोग हैं जो कि परेशान होंगे, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, एयर इंडिया ने और स्थानीय प्रशासन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर्स जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके लिए खास सेल बनाया गया है, उनके टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं। जो भी परिजन है अस्पताल में और स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो केरल की यह है कि वी हैव अ थर्ड टायर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं तो वो भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो सेंटर से लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक नेटवर्क है। जो भी सुबह सुबह हमें एक न्यूज आया था कि शायद एक व्यक्ति के बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, मगर उसके बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन आया कि वो एक अस्पताल में है, ICU के अंदर है। तो जो भी मित्र हैं, उनके बंधुजन हैं, उनको किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। जो टोल फ्री नंबर्स हैं उसमें बुलाएंगे तो क्लियरली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जी, यही है अभी का इंफॉर्मेशन। जी, बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अरुण हमें तिरुवनंतपुरम से बता रहे थे कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। और अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें कि विमान कल कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरते समय फिसलकर गिरकर 2 टुकड़ों में टूट गया था। लैंड करते वक्त विमान पूरा रनवे पार करके एक 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हालांकि राहत की बात यह रही कि 2 हिस्सों में टूटने के बाद भी विमान में आग नहीं लगी।
लैंड करते वक्त विमान पूरा रनवे को पार कर गया और 135 फीट के की खाई में जा गिरा। 27 लोगों का कोझिकोड और मलप्पुरम के अस्पतालों में इलाज जारी है। दुर्घटनास्थल से राहत और बचाव कार्य का काम पूरा हो गया है। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत दोनों की मौत हो गई है। हादसे की जांच के लिए DGCA, विमान सुरक्षा विभाग और एयर इंडिया के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कोझिकोड पहुंच गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। इसके साथ ही यात्रियों और परिवार के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम के सदस्यों के साथ साथ स्पेशल असिस्टेंस टीम के सदस्यों को कोची, मुंबई और दिल्ली से सेवा में लगाया गया है। इसके अलावा यात्रियों उनके परिवार के सदस्यों की मदद के लिए मुंबई और दिल्ली से विशेष राहत उड़ानों की व्यवस्था की गई है। अभी हमने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सुना, उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत के तौर पर 10 लाख रुपए की एक राहत राशि दी जाएगी, साथ ही साथ घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। जी, और अगली खबर भी केरल से है, दुर्घटना से जुड़ी हुई है। केरल में कल शाम हुए विमान हादसे के बाद राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि घटनास्थल का दौरा लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी विमान हादसे का घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने वहां बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया, उसका मुआयना किया। इस दौरान एयर इंडिया के CMD राजीव बंसल भी उनके साथ मौजूद थे। और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने विमान हादसे के घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हादसे में जख्मी लोगों को 13 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऑफ द रीजंस फॉर द क्रैश दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड इंक्वायर्ड बाय द इंक्वायरी इज बीइंग अंडरटेकन बाय द DGCA एंड द सिविल एविएशन मिनिस्टर इज विजिटिंग द क्रैश साइट। वंस दैट इज ओवर I think he will be in a position to tell something about that. Climate was a major impediment, and but in spite of that, we are fortunate that the fuel tank didn't go in flames. That's why a lot of lives were saved. Those who are injured are there in around 13 hospitals. I am given to understand that around 120 passengers are there in the hospitals. तो 127 घायलों का 13 विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, और हमारे संवाददाता सुनीत सुकुमारन ने अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति की जानकारी ली। Of Calicut Medical College Hospital, where most of the bodies are being kept, and the latest information that I can provide from here is that the digital flight recorder has been recovered from the accident spot. I mean, from the flight, and the civil aviation and Air India officials have already visited the place, and they have taken a stock of the situation. And another important information that we are getting from the health department is that the place the accident occurred, where the airport is situated, is a COVID containment spot. So the people who were engaged in the rescue operations is asked to go to quarantine, because there is a high risk of COVID spreading. So the health ministry officially asked the people to go to quarantine who were engaged in rescue operations. And these are the latest developments that I can share from here right now. और कोझिकोड विमान हादसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की भी मौत हो गई है। कैप्टन वसंत साठे ने एयर इंडिया का यात्री विमान उड़ाने से पहले एयरफोर्स में अपनी सेवाएं विंग कमांडर के रूप में दी थी। साल 2003 में एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एयरलाइन कंपनियों को अपने अनुभव से मदद करना शुरू किया। वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की बोइंग 737 फ्लाइट उड़ाने से पहले एयरबस 310 भी उड़ा चुके हैं। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते एयरफोर्स एकेडमी ने भी उन्हें सम्मानित किया था। कैप्टन साठे को नेशनल डिफेंस एकेडमी के 58वें कोर्स में गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन किया, जहां उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कैप्टन वसंत साठे 10,000 घंटे से भी ज़्यादा का उनका फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और इस कोझिकोड एयरपोर्ट पर वो कम से कम 27 बार पहले भी यहाँ पर विमान उतार चुके थे। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही कि इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट के साथ ये दुर्घटना हो गई। कोझिकोड विमान हादसे के संबंध में दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दूतावास ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो इस प्रकार है, 0565463903, 0543090572,
0543-090-572, 0543-090-575 इन सभी नंबर्स पर कॉल करके विमान में सवार यात्रियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा शारजा में एयर इंडिया के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। MEA ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें जिनके नंबर है 1800-118-797-011-230-12113-011-230-14104 और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से जो 0483-271-9493 और मल्लपुरम कलेक्ट्रेट का नंबर है 0483-273-6320 कोझीकोड कलेक्ट्रेट का नंबर 0495-2376-901 ये सारे नंबर जारी किए गए हैं जिससे जो परिजन हैं उनको मदद मिल सके। किसी तरह की पूछताछ अगर वो करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरी दुर्घटना की खबर भी केरल से है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दिन में दो दुर्घटनाएं हुई केरल में। केरल स्थित इडुक्की के राजामाला में कल हुए भूस्खलन के बाद मलबे से 5 और शव निकाले जाने के बाद भूस्खलन की घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इलाके में 43 और लोगों के अभी भी लापता हैं और उनके मलबे में दबे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और शवों को निकालने का प्रयास जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस केंद्र के जरिए भविष्य की पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यावहारिक आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा को करीब से देख सकेंगी। केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के जरिए लोगों को स्वच्छता पर शिक्षा, जागरूकता, सूचना और उसके तमाम आयामों को जानकारी मिल सकेगी। इस केंद्र में विभिन्न गतिविधियों को सामूहिक अध्ययन, वैश्विक मापदंडों, सफलता की कहानियों और संदेशों के जरिए दर्शाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू ने आज देश के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तौर पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में GC मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। GC मुर्मू ने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल इस महीने की 7 तारीख को पूरा हुआ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 65 साल की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो तक की जाती है। शपथ लेने के बाद जीसी मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जीसी मुर्मू को CAG बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय तल से आभार। वरिष्ठ IAS अधिकारी जीसी मुर्मू को CAG जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कर जनजातीय समाज का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने एक योग्य ट्राइबल अधिकारी को उचित सम्मान दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने जीसी मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर शपथ लेने पर बधाई दी। और भारत और चीन के बीच आज मेजर जनरल स्तर की वार्ता हो रही है। दौलत बेग ओल्डी में दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर की वार्ता जारी है। दौलत बेग ओल्डी में पूर्वी लद्दाख मामले पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पूछताछ की और उसके बाद आज उनके वकील ने सुशांत द्वारा हाथ से लिखी चिट्ठी और लेख के फोटो जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी वस्तुएं सुशांत सिंह राजपूत की हैं। खबरों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती से सुशांत के खाते से खर्च किए पैसों और संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। खबरों के मुताबिक ED ने उनके आय कर का भी विवरण मांगा है।
ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को भी उनके सामने पेश होने के लिए कहा है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी सिद्धार्थ पिठानी ने मीडिया में कुछ विवादित बयान जारी किए थे। वो उन चंद लोगों में शामिल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के समय मौजूद था। ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती का बयान दर्ज किए जाने की उम्मीद है। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीडी नेशनल और डीडी भारती पर 7 से 15 अगस्त तक एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल के दौरान देशभक्ति की भावना को जगाती हुई कई फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। वंदे मातरम। आसमान देख रहे होंगे और हम उनके पांव तले से जमीन खींच लेंगे। पांचों लड़कियों से ज्यादा वो स्लीपर सेल्स का हेड इम्पोर्टेंट है। दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारक और दूरदर्शन के डीडी भारती चैनल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। ये फेस्टिवल 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस फिल्म फेस्टिवल के तहत दिखाई जाने वाली फिल्मों में स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को दर्शाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी को दर्शाती और दुनिया भर में भारतीयों के बीच देशभक्तिपूर्ण भावना को जगाती इन फिल्मों में हॉलीडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। अगर तेरे घर से कोई किडनैप हो जाए तो 5 लड़कियों में एक लड़की मेरी बहन है, समझे? मंगल पांडे, अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। हम न देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। पिछले हफ्ते ही हमारे 4 अफसरों को मुस्लिम इलाके से बुरी तरह से मारपीट कर भगा दिया गया। सरदार, इस तरह से भेदभाव को बढ़ावा देना हमारी सुरक्षा नीति के खिलाफ है। तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बन गए पाकिस्तान में रहो। और राजी जैसी फिल्में शामिल। तुम्हारा रिश्ता पाकिस्तान में क्यों हुआ ये सिर्फ हम जानते हैं। साल पहले गुजरात के दंगों में मेरा भाई मुन्ना। महोत्सव में हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। तो आप सब भी इन देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों का आनंद जरूर उठाएं। वल्लभ भाई, जवेर भाई पटेल, आपको किसी खास मुद्दे के बारे में बात करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मैं इस मेमोरेंडम के बारे में बात करना चाहूंगा। आप भी इस फिल्म फेस्टिवल का आनंद ले सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।